उत्तर प्रदेश के आगरा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आगरा पुलिस और स्वाट टीम ने मिलकर लॉरेंस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों की तलाश राजस्थान पुलिस को थी, जिन पर जयपुर के एक होटल में फायरिंग का आरोप था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, वो फुटेज आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। इन बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुए हैं। ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि 28 तारीख की रात्रि 11:50 पर इनके द्वारा एक घटना कार्य की गई थी, जिसमें जी क्लब के मालिक पर इनके द्वारा हमले किए गए थे। लगभग 17 से 18 राउंड इन्होंने फायर किए थे। आज इनको गिरफ्तार किया गया है और जयपुर पुलिस को इनको सपोर्ट किया गया है। तो लॉरेंस गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अपडेट। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। क्या इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो 3 बदमाश हैं, ये बताए जा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं और राजस्थान पुलिस को इनकी तलाश थी और काफी अरसे से इनकी तलाश थी। जैसा कि हम सीसीटीवी विजुअल्स लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे, इन 3 बदमाशों के पास से 6 मैगजीन, 3 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। दरअसल आगरा के जैतपुर के दुर्गा मंदिर के पास पुलिस और स्वाट टीम को, लोकल पुलिस और स्वाट टीम को इनके बारे में जानकारी मिली थी, खुफिया जानकारी मिली थी। जब पुलिस ने वहां रेड किया तो 3 को मासों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पुलिस इनसे लगातार गहन पूछताछ कर रही है, पुलिस इनको कोर्ट में भी पेश करेगी। तो जाहिर तौर पर राजस्थान में जो वाकया हुआ है, जी क्लब होटल में फायरिंग का, उस मामले को भी कोर्ट में बताया जाएगा और भी पुराने मामले हैं उसे बताया जाएगा। फिलहाल आगरा पुलिस, स्वाट टीम और एसओजी लगातार इन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। जी पर एक व्यापारी ने फिरौती की धमकी देने का आरोप लगाया है। व्यापारी का यह आरोप है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 50 लाख रुपए की फिरौती उससे मांगी गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई है। यह कहना है व्यापारी का कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 50 लाख रुपए की रकम उससे मांगी गई है। यह बड़ी खबर फिरौती की आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बता रहे हैं। और वह बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त मिल रही है, जहां पर पश्चिम बिहार इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि यह महिला दफ्तर से अपने स्कूटर से घर लौट रही थी, तभी हमलावर ने उसे गोली मार दी। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, छानबीन में जुट गई है पुलिस। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें खंगाल रही है, जिसका फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार आरोपी वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे 32 साल की ज्योति नाम की महिला